हेलो इंजीनियर्स, दिस इज सुभाष जी। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट और एक अलग से प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एक कैप्सूल के अंदर आपके जो सर्किट वो होगा, वो कैप्सूल आप खा नहीं सकते क्योंकि अगर खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो इसको आप यूज कर सकते हैं अपने हाथों पे लगा के, उंगली पे अंगूठी के जैसा लगा के, या फिर किसी भी जगह पे आप इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यही जो कैप्सूल है वो आपके सिक्योरिटी हो जाएगा, मतलब आप जहां पे शो करेंगे वहीं पे ही डोर लॉक या फिर लाइट वगैरह, फैन वगैरह सब कुछ ऑन ऑफ हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बढ़िया से काम करते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से आसानी से हम लोग एक छोटा सा कैप्सूल के अंदर एक सर्किट बिठा सकते हैं और इसके मदद से हम लोग बहुत सारी चीजों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। देखा है किस प्रकार से सर्किट को हमने बनाया है। तो इसी तरह हम लोग दो सर्किट को एक साथ बनाएंगे। आप चाहे तो 4, 5, 6, 7 जितने चाहे उतने सर्किट आप बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सर्किट आप यूज करेंगे उतने ज्यादा आप पासवर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग डिवाइस पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको दो सर्किट को बना के आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग कैप्सूल को बनाएंगे। जो कैप्सूल है इसके अंदर सर्किट को किस प्रकार से फिट करेंगे, उसके बाद ये कैप्सूल कहां से लाएंगे, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग कैप्सूल को बनाते हैं।
अभी तो कैप्सूल कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम लोग इसी सर्किट को हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए अभी टेस्टिंग करके हम लोग देखते हैं किस प्रकार से एक्चुअली में काम कर रहे हैं, और इसका जो प्रोग्रामिंग और जो कि सर्किट डायग्राम वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सर्किट और प्रोग्राम मिल जाए। आप इसको अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो पे या फिर ATmega पे अपलोड कर सकते हैं। करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने दो सर्किट अलग अलग बनाया है, आप चाहे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने चाहे उतनी सर्किट आप अलग अलग बना सकते हैं, सभी में एक ही प्रोग्रामिंग होगा। और ये जो आप देख रहे हैं कैप्सूल, तो ये कैप्सूल एक्चुअली में मैंने इस पर जो कि डाल दिया है, जो RFID का जो कार्ट रीडर है, कार्ट के अंदर जो IC था वही IC को हमने इसके अंदर डाल दिया है और कॉयल के साथ इसको डाल दिया है अंदर। तो ये एक RFID रीडर हो गया है, तो इसको रीड करके जो भी कोड आया है वो कोड इसी कोड पे हमने प्रोग्रामिंग किया है। तो सभी चीजों को एक ही प्रोग्रामिंग से आपको डालना होगा। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं ये जो जो कि टेबलेट है, इसको जिसके सामने लाएंगे वही काम करेगा। तो इसके मदद से हम लोग छोटा सा एक जो कि की हम लोग बना सकते हैं। तो अभी इसका पावर हम लोग ऑन करते हैं, तो अभी पावर आ गया है और इसके अंदर कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं, कैप्सूल के अंदर कोई बैटरी की जरूरत नहीं है, आसानी से बिना बैटरी के ये काम करेगा। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं, तो देखा आपने ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। जब भी कार्ड को यहाँ पे रीड करता है तो ऑटोमेटिकली ये काम करते हैं। और दूसरे पे आप लोग को दिखाते हैं, तो जब भी इस पे हम लोग लगाएंगे तो ये काम करेगा। मतलब आप किसी भी चीज को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं एक ही कैप्सूल के जरिए। तो ये जो कैप्सूल है ये बहुत ही बढ़िया एक कैप्सूल है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे हम लोग एक कैप्सूल के मदद से कोई भी की हम लोग बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।